हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये भाई जयपुर की गलियों में घूमते हुए और सामने आपको फोर्टी फॉर्टनर नजर आ जाते हैं। जयपुर पूरा किलो का गढ़ है। यहाँ पे देखो कहाँ तक फैला हुआ किला, चारों तरफ से आप देखेंगे तो किले किला नजर आता है यहाँ। ये हवा महल, ये वाला, ये दिख रहा है बाहर से, दिखा रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है हवा महल, इधर से लेते हैं लोग सारे व्यू आमेर के किले की। देखो इधर से, इधर बैठ के। तो ये साथ में बाइक वाला गाइड हमें मिल चुका है और ये हमें ले जा रहा है अपने साथ में। इनके पीछे पीछे हमें जाना है। तो अभी हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ये गाइड हमारे आगे जा रहे हैं बाइक में। जयपुर कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर आप लोग जब भी निकलोगे ना तो आपको बाहर का नंबर देख के आपके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे, जब तक आप उसको हाँ नहीं करोगे तब तक पीछे पड़े रहेंगे, पैसा कम करते चले जाएंगे। कहाँ 300 रुपये से शुरू करेंगे और उसके बाद 250-200, मतलब आस्ते आस्ते कम आ जाते हैं। 1 से 1 देखने को चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, पुराने जो है। निकलोगे ना तो मेरा फोन निकाल लेना, ठीक है। फोन कल उसी में तो नहीं रह गया था, कुछ तो मैं कुछ देख लेना। वो कह रहा पार्किंग फ्री में लगवाऊंगा ना, तो पार्किंग फ्री में लगाएगा फ्री। भाई क्या बात है, जलमहल देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। हम इसके अंदर जा नहीं सकते, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। और इस टाइम मैं आ चुका हूँ जयपुर के जलमहल में और सामने मैं आपको दिखाता हूँ जलमहल, बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं यहाँ से जलमहल जो आप सामने देख रहे हैं। पानी में डक्स भी काफी हैं, इसके अंदर ब्लैक कलर के हैं सारे। ये कितने साल पुराना होगा लगभग? ये 1799 में बना था। 1799 में, हाँ। और किसने बनवाया था ये? ये राजा जयसिंह, राजा जयसिंह ने बनवाया था। अच्छा, अभी तो पानी में काफी डूब गया ना ये। हाँ, टोटल 300 का महल ही, डेढ़ मंजिल पानी ऊपर, डेढ़ मंजिल पानी नीचे। अच्छा, डेढ़ मंजिल नीचे है अभी ये, डेढ़ मंजिल ऊपर। देख क्लोज ज़ूम करके दिखाता हूँ मैं जरा, ये है देखो जलमहल जो। और ये राजा जयसिंह ने बनवाया था ये जलमहल जो। और ये साइड साइड में क्या है ये चीज़ें? एनिमल्स रहते थे, हाथी घोड़े। अच्छा, जानवर वगैरह के लिए रखा हुआ था इन्होंने अपने, हाथी वगैरह घोड़े वगैरह के लिए। अच्छे खासे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं दूर दूर से ये देखने के लिए। अब बच्चों के लिए यहाँ पर वही स्कूटर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। फिर जलमहल से भी निकलते हैं, जयपुर आए हैं तो भाई राजस्थानी ड्रेस पहन के तो फोटो बनती ही है। बेटी को बड़ा शौक है इन चीज़ों का, बेटे को बिल्कुल शौक नहीं है, वो तो कैमरे से दूर ही भागता रहता है। पर ये है कि जलमहल आके अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है जलमहल का जो है। अब बताओ यार उस टाइम पर राजा जयसिंह ने जो बनवाया होगा इस महल पे, कितना बढ़िया लगता होगा ये महल। ये जलमहल का नाम कैसे पड़ा, ये जलमहल बाद में पड़ा या पहले से पड़ा? जब बाढ़ आई थी ना। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि शुरू में ये जब राजा जयसिंह ने बनवाया था उस टाइम पर यहाँ पानी नहीं था, ये महल आराम से रहने की जगह थी, तो ये पानी जब भरने की वजह से बाद में जलमहल बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बिताना। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों बीच में रहता था।
तो ये राजा जयसिंह जी अपने नानी के साथ रहने के लिए यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पर 3 महीने गर्मी के चार महीने यहाँ पर रहने आया करते थे। तो ये जल महल जो है बाद में नाम पड़ा, ये शुरू से नाम नहीं था जल महल का, जब से पानी भरा तब से जल महल नाम पड़ गया इसका। और जल महल के पीछे आप देख रहे हो ना, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये जल महल जो है, और बहुत ही सही जगह चुनी थी इन्होंने गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा उस टाइम गर्मी नहीं पड़ती होगी, उस तो अच्छा खासा जगह चुन के ये बनाया गया था महल यहाँ पर 4 महीने बिताने के लिए अपनी नानी के साथ। और बताया जाता है कि ये जल महल जो है लॉकडाउन से पहले बोट से उधर जाया करते थे लोग देखने के लिए। और अभी जो है नवरत्न कोठारी जो यहाँ के रईस लोगों में से गिने जाते हैं, तो उन्होंने ये होटल बनाने के लिए ये जो है जल महल ख़रीद लिया है, और इसको अभी आने वाले टाइम में होटल बनाने की सोच रहे हैं। और इसमें सुविधा सारी देंगे ये, अभी भी इसमें लाइट पानी का व्यवस्था तो है ही, साफ़ सफाई चलती है अंदर, पर अभी कोई टूरिस्ट वहाँ अभी जाता नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन के बाद, तो अभी साफ़ सफाई वगैरह पानी वगैरह और लाइट का बंदोबस्त इसके अंदर है। तो आगे हो सकता है ये होटल में कन्वर्ट हो जाए और आप लोगों को होटल देखने को मिल जाए यहाँ पर। तो जल महल में ये हुआ ऐसा था कि जल महल नाम जो पड़ा ये बाढ़ आने की वजह से 1981 में जो बाढ़ आई थी उसमें सारा पानी भर गया था इसके अंदर, और उसके बाद से इसका नाम भी जल महल बन गया क्योंकि पानी में डूब चुका था, तो उसके बाद से पानी निकाला ही नहीं और ये जल महल के नाम से जाना जाने लगा था। ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसी को ले लो शंख वाला जो है। तो भाई चलते चलते यहाँ से फिर एक बार और मैं यहाँ घुमा के दिखा देता हूँ पूरा ही। और ये आखिरी बार चलते हुए जल महल के दर्शन। तो फिर निकलते हैं यहाँ से भी सीधा आगे की तरफ। भाई परिवार के साथ चलो तो यार बड़ा टाइम लगता है, अब बंदा भी लेट हो रहा है जो हमारे साथ साथ है, वो पूरा दिन लगाएगा इसमें, तो फिर इसका भी काम खतरा हो जाएगा। तो निकल पड़े हम लोग यहाँ से जल महल से, मैं कुछ बता नहीं पा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बारी बारी से वो जो भी जगह दिखाएगा तो वो आप लोगों को दिखाते चलेंगे। चला हुआ हमारा गाइड। और यहाँ अच्छे खासे पहाड़ नज़र आ रहे हैं यार, पहाड़ ही पहाड़ों से घिरा हुआ है जयपुर भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पहाड़ नहीं है, बहुत पहाड़ हैं। तो ये है राजा जयसिंह का जो जयपुर का सबसे पहला जो किला बना था वो यही है जहाँ पर राजा जयसिंह जी रहा करते थे। और यहाँ की कोई खास और बात इसकी, इधर की काफी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे बोल बच्चन, बेटा बच्चा, रंगेजा प्यार के, साजन चले ससुराल, आप लोगों ने बेटा बच्चा उसमें गाना था कोयल की जैसी तेरी बोली। अच्छा, इसमें ही हुई वो शूट हुआ है। अच्छा, घूम भट के आर पे दिलबर का जूही चला छतरी पे नाचते हैं, आमिर खान यहां से देखता है। अच्छा, जूही ऊपर नाचते थे और आमिर खान नीचे होता था। अच्छा, साजन चले ससुराल में गोविंद डबल शादी करता है। अच्छा, काफी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। और ये कनक घाटी के नाम से है ये जगह, अच्छा, पहाड़ों की वजह से इसका नाम कनक घाटी रखा गया। और कनक जी है राजा जयसिंह जी की वाइफ, सबसे बड़ी वाइफ, उनका नाम कनक था। अच्छा, और वृंदावन है कनक वृंदावन घाटी, वृंदावन से मूर्ति लगी थी इसमें। अच्छा, मथुरा अंदर से मूर्ति लाई थी, 1700 बना था, 1700 के अंदर मूर्ति लगा रखी इसमें राजा जयसिंह। और अभी ये खुला नहीं है, 12 बजे के बाद ही खुलेगा। 12 बजे खुलेगा ना ये, हाँ। तो उसके बाद फिर जाएंगे अंदर, तो देख लेंगे, यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। और पिछले गांव के लोग हैं जो सुरभि कला है, बताया गांव बाजार, गांव बाजार में क्या होता है, आप लोगों के शहर में सब्जियाँ खरीदते हैं ना, उनको फेंक देते हैं, हमारे सब्जियाँ खरीदती है उनको फेंकते। अब यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पर सब्जियों से बनाया जाता है, यहाँ पर कलर जो है जो आपकी सब्जियाँ वेस्ट हो जाती है उससे भी बनाते हैं।
तो हम लोग आ चुके हैं वापस कनक घाटी, और अभी 12 बजे हम लोगों ने आना था, तो अभी हम लोग 4:30 बजे यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी 5 बजे ये खुलेगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो सामने इधर पीछे ही कनक बाग है, तो कनक बाग में घूमते हैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। और ये अब मंदिर है, तो हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे, जहाँ पर वृंदावन से मूर्ति ला के माधव जी की, तो अभी यहाँ पर उस टाइम पर स्थापित कर दिया गया था, तो अब ये मंदिर है। तो मंदिर तो बंद है, तो हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी कनक बाग, और कनक बाग का ये बाहर से दृश्य ऐसा दिखता है यहाँ से पूरा जो है, और यहाँ की एंट्री 25 रुपये एंट्री है यहाँ से अंदर जाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ से बाहर का जो है कनक बाग लिखा हुआ है, और यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। अभी 9 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला होता है, तो अभी खुला हुआ है, और अंदर जाने की एंट्री 25 रुपीस आपसे लगेंगे पर पर्सन। उधर से 5 वर्ष की है इसे ऊपर पूरा टिकट कर यहाँ पर है, जाने के लिए 25 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, और 5 वर्ष की आय से ऊपर पूरा टिकट है। ये है टिकट काउंटर। तो कनक बाग के अंदर मैं आ चुका हूँ, और कनक बाग का अंदर का ऐसा देखने को होता है, तो यह सामने ही फुवारा लगा हुआ गेट के अंदर आते साथी, और ये बीचों बीच क्या बना हुआ है ये तो मेरे को पता नहीं आया, कोई है गाइड तो इनसे पूछना चाहिए ज़रा। भाई ये क्या बना हुआ है, ये नहीं नहीं है क्या चाहिए, ये गार्डन सर पुराना जमाने का। हाँ ना ये बना हुआ ना, ये कुछ अंदर बैठने के लिए था या क्या था, जो भी चौपड़ की तरह नक्शा बना हुआ है, यहाँ एक बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नक्शा बना हुआ है। अच्छा चौपड़ के हिसाब से बनाया हुआ नक्शा है, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ बनाया है। अच्छा 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 अच्छा, इसके चारों तरफ ये फुहारे बने हुए हैं, ये जिनमें से कुछ फुहारे चल रहे हैं कुछ बंद है। कनक बाग, और कनक बाग से भी निकलते हैं और मंदिर खुलने का इंतज़ार करते हैं, फिर वो दिखाता हूँ मैं जो सामने मंदिर दिख रहा है। तो मंदिर खुल चुका है, इस बीच में हम लोगों ने अपना खाना वाना भी कर लिया और टाइम भी सही, मंदिर भी खुल चुका है, तो मंदिर के अंदर चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर के अंदर का दृश्य, जो कितने साल पुराना है। अंदर ही चलते हैं सीधा यहाँ से, माधव जी और नटवर जी की जो प्राचीन मंदिर है, तो अभी चलते हैं अंदर ही सीधा ही। तो हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ अभी पूजा वूजा चल रही है, यहाँ से राधे राधे। तो मंदिर के अंदर से प्रांगण ऐसा दिखता है, मंदिर परिसर में खाना खाना और फालतू बैठना सख्त मना है, फोटो खींचना भी मना है, तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकता अंदर जाके। तो पहले यहाँ से गेट हुआ करता होगा, अभी बंद है, अभी उधर से हम लोग आए एंट्री करते हुए। जय और ये है मंदिर श्री राधा माधव जी मंदिर, ये है मंदिर गोविंद जी टेम्पल से हम लोग निकल के आ रहे हैं, अभी जाएंगे यहाँ आगे एक नारायण मंदिर है, तो वहाँ भी होके आते हैं। तो ये है नटवर जी का मंदिर,
1880 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से देखो मंदिर से कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से यार, बट लग नहीं रहा कि हम लोग के जयपुर में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ी जगह। यहाँ भी पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ पहाड़ी है क्या बोलिए, भी पहाड़ी है। और ये है नटवर जी का टेंपल जो है ये वाला। नीचे गार्डन है इधर, मोर भी खड़ा है इधर, कितने सारे मोर है इधर, चार पांच मोर तो इधर ही है, इधर पांच छह मोर दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मोर ये खड़ा, दो मोर उधर है, तीन मोर वहाँ पर खड़े हैं, चार पांच बहुत है यार, बहुत है। और क्लोज करूँ, ये देखो कितने सारे मोर खड़े हैं उधर। ये देख, इस पार्क में मोर ही मोर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर है यहाँ पर। देख मोर देख शुभम, इतने सारे मोर। ये गार्डन तो पूरा मोरों का ही है, मोर मोरनी दोनों ही है। देखो ऊपर जो चल रही है वो मोरनी है और नीचे जो मोर है। मोर सबसे ज्यादा है, मोरनी उधर अलग से बैठे हुए, मोर भी है मोरनी भी बैठे हुए। तो ये है नटवर जी का टेंपल जो है, और मंदिर का एक गेट यहाँ से भी बाहर जाता था, तो अभी ये गेट बंद कर दिए गए ये वाला जो है। और कारण ये है कि यहाँ से बाघ वगैरह तेंदुआ चीते वगैरह जो है जंगल से होते हुए आ जाते थे, इस वजह से ये बंद कर दिया था इस रास्ता जो है। देख रहे हो ना, ये पूरा पहाड़ी के साथ पूरा जंगल बना हुआ है ये। और ये राधा गार्डन है, राधा का पार्क, तो इसका भी वहाँ से गेट हुआ करता था, पर अब जंगल होने की वजह से वो सारे गेट बंद कर दिए गए हैं उस तरफ से। आ चुके हैं दोबारा हवा महल के पास ही, और हवा महल इस टाइम मेरे ख्याल से बंद हो चुका है, अभी कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर कर्मचारी ही खड़े नज़र आ रहे हैं और कोई नहीं। रात को जो लाइटिंग की हुई है इसने, उसकी वजह से कितना सही चमक रहा है अभी। और कहते हैं कि इस हवा महल में रानी, यहाँ से बाहर का दृश्य देखने के लिए, बाजार देखने के लिए, यहाँ से ऊपर से जो खिड़कियाँ बनी हुई है ना, उसी में से बैठ के देखा करते थे बाहर का दृश्य। और उस टाइम का तो आप लोगों को पता ही है कि पर्दा सिस्टम होता था, तो पर्दा सिस्टम की वजह से ये लोग बाहर तो आ नहीं पाते थे, ऊपर से ही देखा करते थे यहाँ से जालियों से बैठ के। और इसको हवा महल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल हवादार बना हुआ है ये जो है हवा महल जो। और हवा महल के बिल्कुल सामने मैं अभी खड़ा हूँ, तो अंदर जाने का तो कोई प्रोग्राम बन नहीं पा रहा अभी, तो आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा देता हूँ दोबारा से ये हवा महल जो है। और लाइटिंग जो है वो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा इस वक्त रात के समय। तो दोस्तों हवा महल पे भी निकलते हैं यहाँ से सीधा फिर होटल पे, और अच्छा खासा शाम के वक्त जो वातावरण बोलूँगा, यहाँ का जो वातावरण है बड़ा बढ़िया लग रहा है इस टाइम, पूरे जोर शोर से मार्केट चली हुई है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से चलते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।